आई लव यू सच में यार. क्या ये क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा सच में, सीरियसली तेरे को मैं बहुत पसंद करता हूं सच में. मजाक सच में रिस्पेक्ट प्यार हूं सच में. प्यार बहुत ज्यादा पसंद करता हूं. पागल हो गए हो क्या? देखना यार भैया पागल जैसे हो रहे हैं, मतलब आके मेरे को सीधा प्रपोज मारो भी रियलिटी में. प्रपोज किए तो एक्सेप्ट किए? नहीं मैं क्यों करूं, मैं उनको भैया समझती हूं यार, बड़े भैया की तरह. नहीं कर दे यार, कोई बैग ले जा अब, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा साथ. पागल हो गए आज के बाद से मत मिलना. तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियोस. गाइस तो सभी को जय श्री राम, कैसे हो आप? आपसे भी बढ़िया होंगे और अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे. तो गाइस सर अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं अभी जा रहा हूँ अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए गाइस. और अभी हम लोग जाएंगे 4 किलोमीटर पैदल, क्योंकि अपना वॉकिंग भी हो जाएगा और सुबह सुबह ब्लॉग भी अपलोड हो जाएगा. तो चलो देखते हैं, और आज हम लोग जल्दी निकल जाएंगे, अब जल्दी निकल जाएंगे जगदलपुर रोज की तरह. मतलब कल से हम लोग अब जल्दी जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ना 1 बजे जाएंगे ना तो अपना रील वील बन जाएगा और ब्लॉग भी तगड़ा निकल जाएगा. तो चलो गाइस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना. और अभी देख सकते हैं मौसम बहुत ही बढ़िया है और इधर सनराइज हो रहा है, देख सकते हो कितना मस्त है. तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना. अभी जाता हूँ मैं सीधा, तरुण को कॉल लगाता हूँ, उसको बुला लेता हूँ. तो चलो. सो गाइस सुबह सुबह कई मजा आ रहा है यार, देख सकते हो अपना तरुण भाई के साथ मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं गाइस. मॉर्निंग वॉक बहुत ही मजा आ रहा है, कई मजा आ रहा है. लेकिन इधर देख सकते हो पूरा कोहरा ही कोहरा और सुबह सुबह गाँव का नजारा, और इधर सनराइज भी हो चुका है देख सकते हो कितना बढ़िया. तो चलो गाइस मस्त लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह जाने का मजा और एक्टिवेट लगता है ना गाइस. गाइस तो सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन में, आधा घंटा चलने के बाद वॉकिंग वॉकिंग जो भी करने के बाद. और यहाँ का सीन देख सकते हो गाइस, चारों ओर कोहरा ही कोहरा. लोग ना रेडी वीडियो के तैयार हो चुके जगदलपुर जाने के लिए. और अपना तरुण भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो, नया काम शुरू किया है गाड़ी वाड़ी धोने का. यार ठीक से दो भाई, 50 रुपये दूंगा ठीक है ना. रोड मेन रोड में गाड़ी धो रहा है, गाड़ी वाड़ी धोते हैं उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे जगदलपुर के लिए. और अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद हम लोग निकल जाएंगे. तो चलो वीडियो में बने ना, आज का ब्लॉग बहुत ही फनी और मजेदार वाला. तो गाइस सर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खुशी बेंद्रे के पास, जो कि अभी अभी नाली से निकल के आ चुकी है सुअर देख सकते हो. हाय हे, ज़्यादा बात मत कर ठीक है ना, कल भी झगड़ा हुआ है तेरा मेरा, और आज झगड़ा मत कर, अभी फ्रेंडशिप कर ले फिलहाल के लिए. नहीं करेगी? मेरे को लगा तू कर रही है. सो गाइस फाइनली हम लोग लोकेशन में पहुंच चुके हैं गाइस. यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यार यहाँ शानदार रहता है ना, मतलब शांति रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है. और गाइस यार आज दीपिका तो लेट से आ जाएगी, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ. और आज मैं सोच रहा हूँ यार, मैं ना खुशी को प्रपोज कर दूँ निखिल के सामने, मतलब खुशी के साथ प्रैंक करूंगा निखिल के सामने, प्रपोज करूंगा, खुशी का क्या रिएक्शन रहता है. तो चलो गाइस देखते हैं. और इन लोग ना बाइक वाइक उधर नीचे उतारने के लिए ले गए, तो चलो मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना क्या सीन रहता है, फाइनली खुशी का रिएक्शन कैसा रहता है. मैं खुशी को प्रपोज करूंगा जोरदार वाला, मतलब ना प्रपोज करने के लिए मैं गुलाब तो नहीं लाया हूं, लेकिन मेरे जेब में ना देखो यार गाइस, हाँ मेरे जेब में ना ये वाला है देख सकते हो, इसको कौन सा फूल बोलते हैं आप लोग को अगर मालूम है ना तो कमेंट करके जरूर बताना. और मेरा जैकेट यार गिर जा रहा है, तो गिर गया सोचो. तो गाइस सर चलो अब खुशी जी को हम प्रपोज वपोज करते हैं. मैं बोलता हूँ खुशी तेरे से कुछ कहना है वैसा ऐसा, उसको थोड़ा पकाऊंगा था, उससे थोड़ा नॉर्मली बात बात करूंगा था, मिलूंगा अच्छे से, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को. और चलो. और गाइस यहाँ पे काले काले भैंस चल रहे हैं देख सकते हो. और भैंस सॉरी सॉरी यार तेरे को नहीं बोला यार, तू बहुत गोरा है यार, तू काला नहीं है, प्लीज मेरे को माफ कर देना यार, सच में काला वाला नहीं बोला. उसका आंख देख इतना बड़ा बड़ा देख रहा था मेरे को. और सामने से भैंसों की सरदारनी आ रही है खुशी यादव, जो कि ना हंसते मुस्कुराते आ रही है. तेरे होने वाले यहाँ पे 4 लोग हैं, मतलब किसको पसंद करेगी, किसको पसंद करेगी? इसका नाम है रामू, उसका नाम श्याम है, और उसका नाम नागेश है, उसका नाम तरुण है. कौन मिला था कल गाइस? कल इसका ना होने वाला पति आया था, ऐसा आपको लग रहा होगा. नहीं है चल मजाक कर, सुनना तेरे से कुछ कहना है ठीक है ना, गुस्सा मत हो ना. आज बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसा मैं मूड के हिसाब से बोलता हूँ ना. बाकी इन चारों में से किस किस को पसंद करे, किसी का नाम बता दे. श्याम को, श्याम ही वाला है. किन से गोरा है? अभी कालू, कितना कालू है यार ये वाला, इसका नाम ना. श्याम के साथ रह के श्याम के पास नहीं जा रही है, चीटिंग कर रही है, तू जाना पड़ेगा, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, तेरा कट गया यार. आज इतना आसान शांत कैसे लग रही है? क्या मूड खराब है? किसका फोन है? मेरा फोन है. क्या कर रही है सच में? अजीब लग रहा, तेरा रामू है ना, इसी के साथ बना लेना. मजाक के मूड में नहीं हूँ. मजाक के मूड में नहीं है? क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे से एक बात बोलना है मेरे को सच्ची में. मजाक नहीं है, रियलिटी, सच्ची में बोल रहा हूँ. बोलो ना. बोलो जल्दी बोलो.
उधर आंटी लोग देख रहे तेरे को, शायद जानते होंगे। नहीं जानते यार, उन लोग मस्ती कर रहे हैं। सच में ना, सीरियस बात है, सच्ची बोल रहा हूँ। बोलो। गुस्सा मत हो ना, सच में बोलोगे। तेरे लिए कुछ लाया हूँ, सच में। आई लव यू। सच में यार, क्या ये क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच में सीरियसली तेरे को मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ, सच में। मजाक? सच में सीरियसली, सच में। क्या है यार ये, क्या है? क्या है? फूल है ना, क्या है? नहीं दिख रहा है। मतलब किस लिए? मतलब गुलाब का फूल नहीं मिला, मैं ये वाला फूल लाया। बहन समझ के दे रहे हो क्या? क्या बहन, सच में बहन बन मैं समझ सच में तेरे से प्यार हो गया, सच में प्यार बहुत ज्यादा पसंद कर। पागल हो गई हो क्या? सीरियसली नाटक मत करो, सच्ची में। सच्ची आते से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, सच्ची में यार। आपको मैं बड़े भैया समझती आ रहे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये सब तो मत बोलो, मतलब हद है। क्या भैया समझती है यार, आपको पता है मेरे क्या पता मेरा वहाँ पे चलता है, मतलब सबको लगता है। वो तो ब्लॉग के लिए है ना, मेरे को रियलिटी नहीं लगता सच। आपको क्या रियलिटी? मैं सच्ची 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 बोल रहा हूँ, तेरे को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ सच्ची में यार। मेरे ऑडियंस भी बोल रहे थे कि खुशी को प्रपोज करो, प्रपोज करो, तो मैं आज प्रपोज कर रही हूँ। तो वो जस्ट एक्सेप्ट कर लो ना प्लीज। नहीं, वो सिर्फ कंटेंट के लिए बोल रहे थे। कंटेंट के लिए नहीं, रियलिटी में मैं कर रहा हूँ सच्ची में। ये बात नहीं है भैया, आप ये गलत कर रहे हो। मैं आपको बड़े भैया, तू भैया भैया बोल रही है सच्ची में, अच्छा नहीं लग रहा है सच्ची में। तो भैया की तरह ही मानती हूँ यार। क्या सोचेगा अगर उसको पता चल गया तो? क्या ही सोचेगा बता, वो भी रियल क्या सोचेगा? तो मैं उसको बताऊंगा ना कि मेरे को खुशी अच्छी लगती है उसके साथ होकर, मतलब मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा, उसको प्रपोज करूंगा। चल मैं तेरे साथ ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन ना मैं तेरे को रियल में प्रपोज कर रहा हूँ ना, तुम अच्छी लगती है। नहीं, मैं आपको बड़े भैया की तरह मानती हूँ, आपका रिस्पेक्ट करती हूँ। देखो मैं आप पे नहीं चिल्लाना चाहती, किसी जगह कोई और होता ना फिर देख लेते। प्लीज ना, प्लीज यार। यार आप ऐसे मतलब जिद क्यों कर रहे हो? मैं जिद नहीं करा, तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है। निखिल को बुलाऊं? मैं ना बहुत पहले से बोलना चाहता था। सुनो मेरी बात, सुनो, निखिल को बुलाऊं क्या? मत बुला यार, उसको काहे लिए इन्वॉल्व कर। तो भैया आपको मैं बड़े भैया की तरह मानती हूँ, जो निखिल आपको मानता है ना वैसे मैं भी मानती हूँ यार। बार बार भैया बोल रही है सच्ची में। तो भैया ही मानती हूँ ना, भैया ही निकलेगा ना मेरे मुँह से। अब कुछ और समझ रही होती तो शायद ना निकलता, लेकिन मैं वही समझती हूँ आपको। शुरुआत से ही मैं आपको बड़े भैया की तरह समझते आ रही हूँ। मैं तो नहीं समझता ना तेरे को, बट मैं समझती हूँ ना यार। बुलाऊं मैं निखिल को? तो बुला लेना, निखिल क्या करेगा? मैं निखिल के साथ भी झगड़ा हो जाएगा मेरा तो। निखिल निखिल जो भी है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा यार भैया, आप मेरे को इस तरह के। तेरे क्या अच्छा नहीं लग रहा यार? मैं प्रपोज कर, मेरे को ना आज तक कोई लड़की रिजेक्ट नहीं की थी। अच्छा, बड़े भैया की तरह मैं आपको सामने देखती हूँ और आप मतलब लेकिन मैं आज क्लियर करना चाहता था। मेरे एक दोस्त बोला अगर किसी के लिए मतलब फीलिंग है तेरे दिल में तो उसको बता देना जरूर, मतलब वो क्या सोचती है तेरे बारे में, ऐसा मेरे को लगा था। तो तू बार बार निखिल निखिल कर रही है, बोल रहे निखिल क्या सोच रहे यार आपके बारे में? निखिल लोग कोई पसंद करोगे हम कौन? अरे बात वो नहीं है, मैं आपको भैया समझती हूँ पहले से ही, ठीक है ना? मुंह फेरने से कुछ नहीं होता है। बुला ले निखिल को, बार बार निखिल का नाम लेके। ठीक है, बुला लेती हूँ, आप भी देख लेना क्या होता है। देखना यार भैया पागल जैसे हो रहे हैं, मतलब आके मेरे को सीधा प्रपोज मारो भी रियलिटी में। यार तू बार बार भैया मत बोल यार, सच में अच्छा भैया समझते हो यार? मतलब मेरे दिल में तेरे लिए क्या हुआ यार? क्या हुआ मतलब? प्रपोज किए तो एक्सेप्ट किए? नहीं मैं क्यों करूँ, मैं उनको भैया समझती हूँ यार, बड़े भैया की तरह। नहीं कर दे यार, कर दे कर दे। ऐसी क्यों बोल रहे तू? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या ऐसे रूडली होके क्यों जा रहे हैं ऐसे बोल? प्रपोज किए कर दे एक्सेप्ट, और क्या? क्या मतलब यार, से बहन बन जा मेरी और क्या चाहिए? पागल वागल हो गया है क्या? ए निखिल बैग ले जा, अब हमको नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। पागल हो गई आज के बाद से मत लूंगा, ये भी ले जा तुम्हारा शोहर का। क्या इसमें टांगने का जगह नहीं है? ठीक है, ये अलमारी नहीं है तेरा, इधर से मैं फेंक दूंगा। हां पागल हो गए क्या? तो हट ना यार, क्या भैया मेरे को प्रपोज किया, मैं थोड़ी ना करी हूं। तो एक्सेप्ट कर दे ना। क्या एक्सेप्ट करूं, पागल लग रहा होगा ये सब। ये सब करने में तेरे को अच्छा लग रहा होगा? मैं क्या अच्छा लग रहा हूं भाई? क्या अच्छा नहीं लग रहा? तेरा खुशी देख के मैं देख रहा हूं, ठीक है? तेरा नियत पता है, मत कर उसको। हां ठीक है, बाइक को हाथ मत लगाना आज के बाद से। पागल है क्या यार? क्या मैं पागल हूं? तेरे भैया मेरे को प्रपोज किया, मैंने तू एक्सेप्ट कर रही है ना? मैं नहीं कर रही हूं। कर रही है, मैं बोली तेरे को पूछ रही हूं, मैं मतलब बता रही हूं। हां पूछ रही है, बता रही हूं। अब जो करना है आप अपने भैया साथ करो, मैं कुछ नहीं कर रही हूं। मैं क्या करूं, मेरा भाई के साथ मैं लड़ाई तो नहीं कर सकता ना? जो भी है, लेकिन मेरी तेरी लाइफ है, तू जाने। ठीक है, मेरे से मत मिलना आज के बाद, ठीक है? नहीं मिलना मतलब क्या? मैं तो एक्सेप्ट नहीं करी ना।
तो तू मेरे को क्यों बता रही है? यार शिवा भैया का भी क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो तेरी लाइफ में तू डिसाइड करना, मेरे को मेरे पे आके क्यों ऐसा तो दिमाग खराब कर रही है? मेरे को कुछ नहीं होता यार। कौन हार्न मार रहा है उसको समझा दे, मेरा मूड का दही बना रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ी ना पता है कौन है, मेरे पे क्यों भड़क रहा है? तू ले जा, ठीक है, मत मिलियो आज से। ऐसे क्यों बात करे पागल? मेरे को बताना जरूरी है, तू हैंडल करना। मैं तेरे को बता रही हूँ, तुम्हारे भाई को तुम समझाओ। मैं समझा सकता हूँ क्या? बड़े भैया है वो, मेरे को समझाते हैं। ठीक है, मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूंगा। क्या पागल है क्या तू? और तू जान, तुम्हारी मर्जी भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मतलब एक्सेप्ट करेगी? जा, एक्सेप्ट नहीं कर रही। तुमको समझाना है तो बड़े भैया को तुम्हारे समझाओ। मैं हमेशा भैया की तरह उनसे ट्रीट कर रही हूं, और आज वो आके मेरे को सीधा प्रपोज मार दे। वही बोल देना, हो गया बस। सो गाइस सर, फाइनली अपना ना प्रैंक सक्सेसफुल रहा। खुशी मैडम का निखिल के साथ झगड़ा होने वाला था, फिर मैंने प्रैंक रोक दिया। अरे साला कैमरामैन यार, इधर उधर हो रहा है। कैमरामैन का पावर है गाइस, कैमरामैन ने इतना अच्छा कैमरा किया है कि कैमरा वाले कैमरा रिकॉर्ड वाले ने भी मेरे को ले लिया। ऐसा क्या? तो गाइस सर, लेकिन बहुत ही फनी और बहुत ही मजेदार मतलब प्रैंक किए हम लोग, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला था, लेकिन मैं रोक दिया बीच में आके, नहीं तो और ज्यादा मस्ती हो जाता।